पूरा देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर जहां सीमा पर जवान तिरंगा फहराकर हाई जोश में दिख रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर से लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक को याद किया, साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी का मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। अटल जी ने जय विज्ञान कहकर उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी, लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है, वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। 82 मिनट के इस संबोधन में क्या कुछ खास बातें पीएम मोदी ने जनता से कही हैं, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती भ्रष्टाचार और दूसरी चुनौती है भाई भतीजावाद परिवारवाद। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। क्या कुछ पीएम बोले, आइए सुनते हैं। पीएम मोदी ने नारी सम्मान को लेकर भी बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि बोलने में और आचरण में हम ऐसा कुछ ना करें जो महिलाओं का सम्मान कम करता हो। अंतरिक्ष
से लेकर समंदर की गहराई तक रिसर्च के लिए भरपूर मदद। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि देश के युवाओं को असीम अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक रिसर्च के लिए भरपूर मदद मिले, इसलिए हम स्पेस मिशन डीप ओशन मिशन का विस्तार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत सरकारी एजेंडा नहीं, समाज का जन आंदोलन है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज की हर एक इकाई का दायित्व बन जाता है। आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हमारे पास है। इसके लिए हमारे पास वो विरासत है जो हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन बाई।